अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है सारे वीरान दा जनाब। अज जनाब बड़ी अच्छी एक फोटो तैयार करने लगे जनाब। सारे वीरान ने वीडियो नूं एंड तक लाजमी देखना है कि ताकि तुम ठीक से समझ आवे भी ये फोटो किवें तैयार की गई। ये फोटो दा हाफ बैकग्राउंड चेंज आपां करना है और बिल्कुल इंजी लगेगा कि चेंज नहीं होया। तो चलो जी, टाइम वेस्ट करने तो बगैर आपां करदे हां स्टार्ट। सब तो पहले जनाब आपां जाना है सिलेक्टेड जाके गए आपां सब्जेक्ट च, एरिया सिलेक्शन कर लेना। ये जी जरा एरिया सिलेक्ट होया, उस तो अलावा अगर कोई कमी पेशी लगती तो आप इन नालों सेट कर लेंगे। जी हो गया अपना एरिया सिलेक्ट। हुण इन सब तो पहला काम है अपना फीडर देना जनाब। शिफ्ट F6 की मदद नाल फीडर दिता है जनाब 1.8 का फीडर। ओके हुण आप जी जाने सिलेक्ट एंड मास्क, इतों जाके जनाब ए जिते बाल ने ए वाला एरिया आप क्लियर कर लेने हैं ताकि ओरिजिनल बैकग्राउंड बालों में खत्म हो जाए। जी ओके, इन आप एक अलग तो लेयर तैयार करनी है। कंट्रोल जे किता जनाब, ए देखो जी मॉडल लेयर लैदा होगी। ए जनाब लेयर मास्क पे टच करके कंट्रोल दबा के क्लिक करना है, ये दोबारा तो सिलेक्शन आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट आई करना है, इनवर्स सिलेक्शन आउटसाइड चला जाएगा, फिर कंट्रोल जे। ये तीन लेयर जनाब अपनी PSD तैयार होगी। ये मैं पहले भी काफ़ी वीडियो दे तुम दस्या कि PSD बनाने का तरीका की है। हुण जनाब सब तो पहला काम अपना ये है जनाब, यह बैकग्राउंड लेयर आप सिलेक्ट करनी है। जो पीछे आप बैकग्राउंड लेना वो आप उस हिसाब से जाके इसके पीछे एडजस्ट करते हैं। एंटर, फिल्टर जाना जनाब, फिल्टर जाना है, ब्लर ए गोशन ब्लर। अपनी फोटो के हिसाब नाल इनू तुसा ब्लर कर लेना। ये हो गया जी ब्लर। ये हुण तुसी वेख रहे होणे कि काफ़ी डिफरेंट है ओरिजिनल करन नालों। ए वाला थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा हाईलाइट है। ए जनाब आपां लेयर नू सिलेक्ट करना है सॉलिड कलर। ए जनाब आपां गए इनू कर देना हार्ड लाइट। हाँ जी हुण चेक करो बैकग्राउंड कलर बिल्कुल सेम हो गया। हुण आपां पूरी फोटो नूं फीदर दे लेना ताकि ये बिल्कुल इंदे उत्ते परफेक्ट बैठ जाए।
हुण आपां जनाब इहदी फिनिशिंग स्टार्ट करदे हां। ए जी बर्न टूल है, अच्छी फोटो बनाने वास्ते हाईलाइट तो शैडो जड़े ना ये बनाने बहुत जरूरी है। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ थोड़ी जी समझने की जरूरत है। ए जी हाईलाइट तो शैडो हो गया कंट्रोल, हम आप बी प्रेस करते हैं। ए जी हो गया मिक्सर ब्रश। ए जी मेरे मेरे हिसाब नाल सैटिंग है, अगर तुसी ये करनी है तो तुसी चेक कर सकते जी, अगर तुसी अपने हिसाब नाल करनी है तो वो तुहाडे वास्ते ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिनिशिंग है गेम प्रैक्टिस दी, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी फिनिशिंग होगी। जी फिनिशिंग हुण आपां इस फोटो नूं करदे हां फिल्टर। सब तो पहले एरिया सिलेक्ट कर लेना स्किन दा, ए जी सिलेक्ट। इस तो बाद इन देना जी फीदर, ए गया जी फिल्टर विच। ए जी अमेजोनिक पोर्ट्रेट 3 फिल्टर। मैं तो ऑटो यूज करता हूँ। ओके कंट्रोल एम, कंट्रोल एल, ओके। हाँ जी आप चलते हैं कैमरा रॉ फिल्टर। सैचुएशन जाके थोड़ा जा रही कम कर देना, लुमिनस जाके थोड़ा जा तेज कर देना, स्किन जी अच्छी बन गई। कंट्रोल डी ये हो गया खत्म। हुण जिन्हियां जी आपां सारियां लेयरां बणाईआं ने सारियां लेयरां नूं आपां मर्ज कर दिंदे हां। कंट्रोल शिफ्ट ई, ये सारियां लेयरां मर्ज हो गईआं, एक लेयर बन गई कंट्रोल जे। हुण जी इहदे ते इफेक्ट अप्लाई करदे हां।
और जिहड़ी इस फोटो ते इफेक्ट मैं यूज करांगा इंशाल्लाह तुहाडे वीरां नालों शेयर भी किया जाएगा। जी काफी बेहतर लग रहा है मैं बीच में। ओके तो जाके आप ओपासिटी थोड़ी जी काम कर देने। थोड़ी जी दी आप मैनुअल कलर ग्रेडिंग कर लेंगे। लिप्स में पिंक करने वास्ते लिप्स वाले एरिया सिलेक्ट कर लेना। इन्हें एक देना फिदर कंट्रोल यू कंट्रोल डी। वैसे तो यह ब्लू ग्लासेस भी अच्छे लग रहे हैं ना, अगर इन्होंने रेड कर दिया जाए तो बूटा के नाल इन्हों का अच्छा मैचिंग हो जाएगा। मैं चाह रहा कि इन्हें कलर चेंज कर दें। ग्लासेस के नाल तुसीं सिलेक्ट कर लेने ने एरिया सिलेक्ट इन दे लेना फिदर कंट्रोल यू
ਹੌਲੀ ਇਮਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਸੇਵ ਕੰਟਰੋਲ ਜੇ ਹੁਣ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ X5 ਹੈ ਜਾਣਾ। सारियां लेयरां मर्ज कीतियां, कंट्रोल जे, फिर दोबारा कंट्रोल जे। ये तीन लेयरां मैं तुहानू एक बहुत अच्छा एक बार्टर तैयार करन दा तरीका दसन लगा, इस वास्ते मैं बनाईयां ने दो एक्स्ट्रा लेयरां। हुण जिहड़ी ये फस्ट लेयर है जनाब, इहनू आपां कंट्रोल ए वी दी मदद नाल थोड़ा जिहा फोटो नूं छोटा करना। हुण जे थले वाली लेयर ते आपां आके इहनूं जाके करना ब्लर, ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਸਟੋਕ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਉਤਨਾ ਸਟੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਉਸ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੈਡਿੰਗ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।